मैं मोहम्मद यूसुफ कोडरमा जिला ग्राम पंचायत कर्मा का रहने वाला हूँ। मैं इस मस्जिद के बारे में जानने के बाद जब कोडरमा जिला और गांव चिरेला पहुँचे तो देखते हैं कि पूरा नदी सूख गई है, पूरा डैम सूख गई है। सूखने के दौरान ये मस्जिद बाहर आई है। बाहर आने के बाद हम यहाँ जा देखें इसका निकासी, इसका कलाकृति बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। लगभग ये 600 पूर्व पहले मस्जिद काम किया गया है। 40 साल के पहले इस पानी में डूब गया था। डूबने के बावजूद भी इसका जो जिस तरह ढांचा खड़ा है उसी तरह खड़ा है, पानी भी इसको नहीं हिला पाया, इसलिए हम लोग देखने के लिए आए। कारण था डैम जब बांधा गया हल्दिया डैम, तो यहाँ चिरेला गांव घना आबादी रहने के बाद यहाँ पूरा पानी बुलाबाला भर गया। जब पानी भरने लगा तो यहाँ से लोग ट्राइन करके नवादा जिले का अगल बगल बस गए, जाके हल्दिया तरफ बस गए। बस इसमें उसके बाद ये पूरा पानी भरने के बाद डूब गया मस्जिद ये पुराना है, पूर्वजों का है, हम लोग का बाप दादा पहले का है। हम लोग तो हमको 50 साल उम्र जा रहा है, हम उस समय से देख रहे हैं। ये तो पुराना, ये सब यहाँ बसिंदे लिए थे, अति बसल थे 22 मौजा जो उजड़ा डैम में जोहरा डैम को, तो सब उजड़ को चला गया पुनर्वास। तो मंदिर मस्जिद ऐसी छोड़ दिया, सब वहाँ अपना मस्जिद बना लिया। कहाँ पुनर्वास किया गया इन लोग? सेक्टर बी में, हरदिया। अब मस्जिद ऐसी रही। पहले भी नजर आते थे। इतना भी पानी भर जाता था तो 10-15 फीट ऊपर ऐसे दिखाता था, पानी सूख जाता है तो नीचे सारा जमीन तक दिखाता है। नहीं, लोगों का कहना है कि मस्जिद जो है अपरूपति ऊपर हुआ है क्या? ना, वो सब कोई बात नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। पुराना मस्जिद है, हम लोग कहीं देखे हुए चीज है, हमारा पूर्वज के पहले का ये सब चीज है। ये सब जैसे सिंगर चिरेला जब उजड़ा टाइम बनने लगा ना, तो उजाड़ को इसका ले गया तो घर दोबारा अपना ले गया, मस्जिद छोड़ दिया वैसी जैसे तक, तो वैसी को वैसी है लगा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजेंद्र यादव। कहाँ घर हुआ? और जानते हैं पुराना बना हुआ है। अच्छा, आज के बना हुआ नहीं है, चूना गारा से बना हुआ, सीमेंट से नहीं बना हुआ। यहाँ लोग बसे हुए थे? हाँ, पहले बसे हुए। अब क्या हुआ? अब उजड़ कर चला गया पूरा, फिर डूब गया तो हुआ तो चला गया। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश प्रसाद।